देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया, और टीवी टुडे इंडिया के माध्यम से हम आज आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसमें ये बात प्रकाश में आई है कि एक बार फिर से हमारे भगवान ने दूध पिया है। पूर्व में भी हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश धार्मिक मान्यताओं का देश है, आस्था का केंद्र है, इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रही हैं। इस संबंध में हमारे को एक जो वीडियो उपलब्ध आज कराई है वो डॉक्टर ब्रज गोपाल शर्मा ने उपलब्ध कराई है। बार एसोसिएशन मथुरा के पूर्व अध्यक्ष हैं आप और भाजपा के नेता हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या बताएंगे आप, ये वीडियो आपके पास कहाँ से आई, और आप बता रहे थे कि आपके घर की है ये? वीडियो मेरे घर की ही है खत्री जी, और इसमें बाद में बनाई गई है। इससे पहले कई चम्मच गोपाल जी दूध पी चुके थे, फिर बच्चों ने ये बाद में बनाई है वीडियो। ये भारत आस्था का केंद्र है। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो ब्रज में अगर मेरा ठाकुर दूध नहीं पिएंगे तो कहाँ पिएंगे। हम जी पत्थर में भी मूर्ति देखते हैं और उसको इस तरह से उपासित करते हैं, उसको इस तरह से मानते हैं जैसे साक्षात मेरा परम ब्रह्म मेरे सामने है। तो मेरे ठाकुर ने आज दूध पिया, बड़ी प्रसन्नता हुई। और ये तो चमत्कार इस देश में होते रहते हैं, चमत्कारों का देश है, आस्था का केंद्र है भारत। दुनिया में आस्था का केंद्र है अगर कोई देश तो वो जी भारत है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने जो गोपाल स्वरूप है, बाल स्वरूप है, लड्डू गोपाल है, उनको जी दूध पिलाया गया। मेरे पास ये खबर आई थी औरैया से। मेरा एक क्लाइंट है औरैया में, जी उसने मुझे कहा था कि भगवान लड्डू गोपाल दूध पी रहे हैं, मेरे यहाँ 10 चम्मच पी चुके हैं। मैंने कोर्ट से फोन किया घर पे कि भाई जी ये गोपाल जी दूध पी रहे हैं, जरा आप भी पिला के देखिए। तो बच्चों ने फिर दूध पिलाया, बड़ा अच्छा लगा, भगवान ने दूध पिया और बहुत तो आप अच्छा पुण्य इस मिला। वीडियो को देखने के बाद में ये पूरी तरह से मान रहे हैं, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि तौलिया भी आपकी परिवार ने लगाया बेटी, है, और हाँ परिवार की मेरी ये बेटी ने आवाज भी लगाया। आई है कि एक दो बूंद टपका जरूर है। और लेकिन जो चम्मच हमने देखी, उस चम्मच में जो दूध वाला हिस्सा था वो सफेद वाला हिस्सा थोड़ा आगे को सरक गया है, बाद में कुछ पानी पानी सा उस चम्मच में नजर आ रहा है पीछे। नहीं ऐसा नहीं है, वो निश्चित जी रूप से क्लियर कट पूरा दूध पी गए थे। तौलिया इसलिए लगाई गई थी कि वो उनकी देखा पोशाक जाए कहीं, हाँ पोशाक के, नहीं पोशाक खराब नहीं, तौलिया इसलिए लगाई गई थी जिससे ये देखा जाए कहीं दूध नीचे मूर्ति के नीचे होकर टपक नहीं जा रहा है, इसलिए वो तौलिया लगाई गई थी। वो टपक के नहीं रहा था, दूध नीचे नहीं निकल रहा था, इसलिए तौलिया से एंश्योर किया गया था कि जी दूध वाकई में मेरे ठाकुर पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, इसके जी लिए उस तौलिया को लगाया तो गया। आप ये मानते हैं कि ये चमत्कार है और ये चमत्कारों का देश है? मैं मानता हूँ, मेरी आस्था ये है कि बिल्कुल चमत्कारों का देश है, चमत्कार ही होते हैं। और मैं कन्हैया की उपासना भी करता हूँ, मेरा गोविंद तो दूध पीता रहा है, पीता रहेगा, अब भी पीता है, आज भी पिया है, आप भी पिला के दीजिए, देखिए श्रद्धा से पिला के दीजिए, पिएगा। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हमसे श्री इतनी कृष्ण। बातचीत करने के लिए। अभी तक हमारे साथ रहे बार एसोसिएशन मथुरा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ब्रज गोपाल शर्मा, जिन्होंने बताया कि आज उनके पास उनके क्लाइंट का औरैया से फोन आया, जिसने उन्हें ये बताया कि गोपाल जी दूध पी रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने अपने परिवार को बताया और उनके परिवार ने गोपाल जी को दूध पिलाया, तो उनके यहाँ भी दूध पिया। और उन्होंने इसका एक वीडियो भी है बनवाया, जो वीडियो हमने है आपको दिखाया। अब कोई और कहता इस बात को तो शायद हम कम विश्वास करते। बार एसोसिएशन मथुरा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ब्रज गोपाल शर्मा, जिनकी अपनी एक साख है, प्रतिष्ठा है, उन्होंने ये कहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें है, मानना पड़ेगा। अब बाकी क्या है ये गोपाल जी ही अधिक जाने। थैंक थैंक यू। यू सर।